नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। हम हैं यहाँ मार्केट में किराना दुकानों पर, जहाँ पर और आर आई साहब और ये पूरी टीम आई हुई है जांच करने। हम बात करेंगे सर, बताएंगे जी थोड़ा सा डिटेल में जी। मेरा नाम मंगलाराम मीणा है जी। तो मुझे संपर्क पर शिकायत मिली है जी, जहाँ बाजार मंडार में किराना दुकान वाले कालाबाजारी कर रहे हैं जी। आर आई साहब मंडार है, आर आई रेडर किशन लाल जी है जी। और मैं कह रहा हूँ जहाँ ऐसा हुआ बूट पर हुक्कों की शिकायत आ रही है, तो बूटों की होगी तो मैं इसका निस्तार लिखूँगा, जब्त करूँगा जी। तो नहीं, आपको लिखित शिकायत मिली उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ जी, और नहीं सामान्य भी कर रहा हूँ, सामान्य जांच भी कर रहे हैं, स्टॉक वगैरह की भी। चक्की की, आटे की है, मेडिकल की भी है जी, किराना की भी है। जो शिकायत मिली है उसकी तो करूँगा, उसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ। आ रहे सर आप जी? किशन लाल सैन। हाँ जी, रेपदर जरा थोड़ा सा बताएंगे सर? हाँ जी, आपके भंडार में कोई कालाबाजारी करता हो, कोई MRP रेट से ज़्यादा बताता हो तो आप हमको बताओ, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और खाने पीने की चीज़ है वो जो रेट है वो उस रेट में बांटे, और हर दुकानदार के पास ये बोर्ड लगा होना चाहिए, लिस्ट लगी होनी चाहिए। उस खाने पीने के सामान को उस रेट से ज़्यादा पैसा ले रहे तो हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सर, वो आपसे संपर्क कैसे करके, आपके ऐसे कोई नंबर वगैरह हैं जो आप बता सकें? हमारा नंबर व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप है हमारा, कंट्रोल कोरोना कंट्रोल रूम बना हुआ है रेडर तहसील में, कंट्रोल रूम बना हुआ है, एक पंचायत मंडार पंचायत में है, तो मंडार पंचायत की निगरानी कमेटी है, आप उनको भी को वो हमको इन्फॉर्म करेंगे, हम जाके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों को समझ में नहीं आता कि लिखित शिकायत, कई बार ऐसा हुआ आगे कि वो शिकायत करते हैं लेकिन कई बार दूसरे लोग भी आते हैं या नेता लोग आ जाते हैं कि साहब शिकायत करता बताओ जी, तो उस मौखिक शिकायत पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे आप? मौखिक शिकायत पर हम जाते फर दिन कार्रवाई करेंगे, उस पर कोई उसको आने के आगे आने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि पूर्व में ऐसा हुआ कि नहीं। आप हमको बताओ, आपका नाम गोपनीय रखेंगे हम, हम हमारे स्तर से हम कार्रवाई करेंगे। आप ये होना चाहिए कि ये दुकानदार जो MRP रेट है उससे ज़्यादा खाद्य सामग्री बेच रहा है जी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और साहब कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ हमको, ठीक है। ये जिला कलेक्टर महोदय श्री की तरफ से हमको फ्लाइंग स्क्वाड में टीम गठित की हुई है। आपकी टीम में कितने सदस्य हैं? मैं, नायब तहसीलदार साहब और कॉन्स्टेबल और हमारे स्टाफ के ये आशुराम जी आर्य साहब हैं, अपने सगनपुरी जी है, हेमंत सिंह जी पटवारी जी, हम सब साथ में सभी मिलजुल करके काम कर रहे हैं। जो मंडार के अलावा और कहीं आसपास में कहीं पूरी रेतर क्षेत्र क्षेत्र आपकी पूरी टीम आप? हाँ, पूरी रेतर तहसील में कहीं पर भी कोई भी शिकायत है हम तभी शिकायत स्क्वाड के रूप में आप शिकायत भी है, और वैसे भी आप मतलब हम हर एक को सावचेत भी करते हैं, पाबंद भी करते हैं, और इस महामारी वैश्विक बीमारी के तहत सबको हम सचेत भी करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगा दिए, मास्क है, सबको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, और जो खाद्य सामग्री है अपने कहीं पर भी भूखे नहीं मरना चाहिए, इस हिसाब से हम सबको पाबंद भी करते हैं, हिदायत भी देते हैं, समझाइश भी करते हैं, और हम आप और हम सब मिलकर एक अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू। कुछ मिले आप देख सकते हैं, ये उत्तम किराना का गोदाम है। आर आई साहब और नायब साहब ये चेक कर रहे हैं, ये खाद्य सामग्री है। खाद्य सामग्री के अलावा कुछ गुटके तंबाकू को ढूंढ रहे हैं, गुद के और तंबाकू को ढूंढा जा रहा है। वैसे इनका काम है, वो अपने मालिक कौन है? मैं सर। ये उत्तम है, गुटके गुटके कहाँ पड़े हुए? गुटके एक मेरी से नहीं है सर, लॉकडाउन के बाद ही नहीं गुटके। क्या नाम है आपका? मेरा उत्तम कुमार सर। उत्तम कुमार। हाँ जी। आपकी शिकायत मिली हुई है? पर है नहीं सर, गुटके गुटके नहीं रखते, अनाज रखते हैं सिर्फ। आप दूसरी जगह रखते कहीं आप? साहब ये मेरा गोदाम गुटका। चलो लाओ, हम तो लाओ, इसलिए सुर पाओ आपके मैं। Thank you.
लीलाधारी के चरणों में जो सही बात है तो बता दो। सर, मैं आपको गलत बोलूंगा नहीं। और गोदाम कहाँ होगा? लॉकडाउन में झाड़ू लेवर टाइम नहीं मिल गया सर। किशन जी गया है ना, मतलब है। लो, लो सब।